पवित्र आत्मा से झूठ मत बोलो। जी हाँ, आपने सही सुना है, परमेश्वर की आत्मा से या परमेश्वर के दास से, सेवकाई में हो, कहीं भी झूठ मत बोलना। आज कई लोग मसीही कहलाते हैं, छोटी सी बातों में झूठ बोल देते हैं और हंसते हैं, कहते हैं मैंने मजाक से झूठ बोला है, वो सच नहीं है। एक विश्वासी कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहिए। हनन्याह और सफीरा पति पत्नी थे, वो विश्वासी थे और उन दोनों ने परमेश्वर से मन्नत मानी कि यदि हम अपना जमीन बेचें तो पूरा पैसा परमेश्वर की सेविकाई में देंगे। लेकिन उनके मन में पैसों पर लालसा हुई और कुछ पैसा उन्होंने छुपा कर रखा और बाकी का पैसा लाकर प्रेरितों के पास रखकर कहा कि सेविकाई के लिए यही पैसा है। पत्रस पवित्र आत्मा से भरकर हनन्याह से कहा, हे हनन्याह, क्या जब तुमने खेत भेजा था, क्या वो खेत तुम्हारा नहीं था? और भेजने के बाद जो पैसा तुम्हें मिला था, क्या वो तुम्हारा नहीं है? क्यों तुमने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला है? क्या इतना ही पैसा मिला खेत भेजने के बाद? तब हनन्याह ने कहा, हाँ, यही पैसा मिला है। तब पत्रस ने एक बात कहा, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 5:3 में इस तरह लिखा है, पत्रस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? तू मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से झूठ बोला है। देखिए, परमेश्वर से झूठ बोला है। आज कई लोग परमेश्वर से झूठ बोलते हैं। आप कहेंगे, कैसे भाई? चर्च को आते हैं, परमेश्वर अगर आप मेरे जीवन में एक नौकरी देंगे तो मैं एक काम करूंगा, सेवकाई के लिए मैं चर्च बनने के लिए पैसा दूंगा, मैं पासवान को फाइनेंशियली हर महीना सपोर्ट करूंगा, इस सेवकाई में मैं दान भेजूंगा। इस तरह कई लोग मन्नत मानते हैं, झूठी मन्नत मानते हैं, कहते हैं मैं वो करूंगा, ये करूंगा। जब परमेश्वर नौकरी देता है, अच्छी सेहत देता है, आशीर्वाद देता है, तो जो भी मन्नत परमेश्वर के सामने किए हैं सब भूल जाते हैं, परमेश्वर से झूठी मन्नतें मानते हैं। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? तो परमेश्वर आपसे ही बोल रहे हैं, झूठी मन्नतें मानना छोड़ो, सच बात करो। अगर आपको शक्ति है देने के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए, तो परमेश्वर को दो, दिल खोल कर दो। अगर के पास नहीं है तो परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दीजिए, मुझे मदद करो ताकि मैं आपकी सेवकाई में भाग ले सकूं। झूठी, कभी भी झूठी मन्नतें मत मानो, क्योंकि यहाँ हनन्याह सफीरा ने, उन्होंने सोचा कि खेत बेचकर पूरा पैसा हम सेवकाई में देंगे, लेकिन पैसा आने के बाद शैतान उनके मन में घुस गया, लालसी बन गए और हनन्याह परमेश्वर से झूठ बोलने लगा। इसके बाद क्या हुआ है पता है? हनन्याह वहीं की वहीं गिरकर मर गया है। और 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी आई, उसकी पत्नी को मालूम नहीं था कि उसका पति मर गया है। और पत्रस ने कहा, क्या तुमने खेत इसी दाम में भेजा है? सफीरा ने भी कहा, हाँ, इसी दाम में। तुम दोनों ने मिलकर प्रभु की आत्मा की परीक्षा की है, ये पाप है, तुमने परमेश्वर से झूठ बोला है। कहते हुए पत्रस ने कहा, जो व्यक्ति तुम्हारा पति को गाड़ कर आया है वो तुम्हारे पीछे खड़ा है, वो तुम्हें भी ले जाएगा, तुम्हें भी गाड़ेगा। उसके बाद सफीरा भी वहीं की वहीं गिरकर मर गई। कभी भी परमेश्वर से झूठ मत बोलो। झूठी गवाहियाँ देना, झूठी मन्नतें मानना, परमेश्वर के दासों से झूठे मन्नतें मानकर, पास्टर जी मैं ये करूँगा, वो करूँगा, और आपके जीवन में कुछ बातें झूठ बोलना सेवकों से, कभी भी झूठ मत बोलो। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21:8 में इस तरह लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का बाग उसी जिला में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यहाँ दूसरी मृत्यु है। देखिए, जो व्यक्ति झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है, डरपोक है, और कई लिस्ट लिखा हुआ है, इसमें से यहाँ लिखा है कि झूठ बोलने वाले लोग आग और गंधक में गिर जाएंगे और ये दूसरी मृत्यु है, यानी नरक को जाएंगे। याद रखो, कभी भी किसी भी समय में झूठ मत बोलना। परमेश्वर का वचन में लिखा है, तुम्हारे बातें हाँ की हाँ या ना की ना हो, उससे ज़्यादा अगर आप बोलेंगे शैतान आपकी ज़बान को इस्तेमाल करेगा। समझ गए? आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ जितने भी भाई और बहन ये वचन सुने हैं उनको पवित्र कर, झूठ
बोलने न दे पिता, हमारे होठों को पवित्र कर। झूठी मन्नते जितने लोगों ने किया है, झूठी गवाहियां देते हैं लोगों से, खास करके पासवानों से जिन लोगों ने बोलकर अपना जीवन गुजार रहे हैं, उन सबको याद कर। सच्चे रास्ते में विश्वास के साथ चलने के लिए सहायता कर। हमारे बातें हाँ की हाँ हो या ना की ना, उससे ज़्यादा बोलने ना दे पिता। हमारी हर एक बात का तू गिनती लेगा और उसके अनुसार हमें तू प्रतिफल देता है। ये प्रार्थना सुन, जितने भी लोग ये वचन सुने हैं उनको बदला और पवित्र कर। यीशु मसीहा नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमेन।